मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शॉक को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, हमने एक तरीकाकार को डिस्कस कर लिया, वो है कूल्ड प्रोसेस। ये हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है, ये है हॉट प्रोसेस, और इसका दूसरा नाम है जी कैटल प्रोसेस। इसकी हेडिंग दे दो, कैटल प्रोसेस। ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीकाकार है कूल्ड प्रोसेस की निस्बत। इस प्रोसेस का काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, तो वो देख लेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। सबसे पहली बात के कैटल प्रोसेस करते किस तरह, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें इस प्रोसेस में और इस प्रोसेस में मेन फ़र्क है वो यही है कि यहाँ पर हम खुद हीटिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हीटिंग नहीं करते। बस ये इन दोनों में मेन फ़र्क आ रहा है, सही है। इन दिस प्रोसेस इस तरीकाकार में वी हीट द मिक्सर। इसमें हम मिक्सर को हीट कर रहे होते हैं, मिक्सर ऑफ फैट और ऑयल, फैट या फिर ऑयल का एंड अल्कली, ये दो चीज़ों का मिक्सर होता है, फैट या ऑयल लोगे और इसके बाद सेकंड नंबर पे अल्कली लोगे, टू फॉर्म सॉप। सॉप बनाने के लिए हम इसको हीट कर रहे होते हैं, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड कैटल प्रोसेस। और याद रखिए, यहाँ पे हीटिंग करने के लिए हम डायरेक्ट आग के नीचे नहीं रख देते, हम स्टीम हीटिंग करते हैं, यानी कि बुखारात को उठा के इसके अंदर डालते हैं। तो स्टीम हीटिंग कर रहे होते हैं, ये बात याद रखिए कैटल प्रोसेस के अंदर। अब इसका प्रोसेस का तरीकाकार क्या है, किस तरह पूरे का पूरा प्रोसेस हम इन्वॉल्व हो रहा था, ये एक फ्लोशीट डायग्राम है। अगर फ्लोशीट डायग्राम आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई तो बाकी चीज़ें सारी की सारी समझ आ जाएंगी। सबसे पहला काम आपने लेना होता है फैट और ऑयल, इन दोनों में से कोई एक चीज़ लेनी है। तो आपने इसको पहले नंबर पर करना है हीट, पहले नंबर पर क्या करना है, इसकी हीटिंग करनी है। हीटिंग करने का मकसद ये होता है कि अगर आपके पास फैट है तो वो सॉलिड फॉर्म में होगी, ऑयल तो पहले लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आपके पास मोल्टन फैट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मोल्टन फैट और ऑयल। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है बच्चा, वो है प्यूरिफिकेशन। आपने मोल्टन फैट जो हमारे पास आई है इसको प्यूरीफाई करना है, क्या करना है, प्यूरिफिकेशन के लिए आप फिल्ट्रेशन इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हो ताकि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं तो उनको रिमूव किया जा सके, क्योंकि जो अच्छा सॉप होता है उसके अंदर कभी भी कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी। प्यूरिफिकेशन के बाद आपने इसको डाल देना था कैटल के अंदर। अब मेन प्रोसीजर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। ये हमारे पास, मैं सपोज करता हूँ कैटल है जिसके अंदर पूरे का पूरा रिएक्शन होना होता है, ये मैंने कैटल के अंदर इसको डाल दिया, ये मेरे पास कैटल आ गई है। अब कैटल के अंदर ही आपने दूसरी चीज़ यहाँ से अल्कली डालनी होती है, सॉल्यूशन ऑफ अल्कली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन ऑफ अल्कली, अल्कली का सॉल्यूशन डालना है। अल्कली का सॉल्यूशन से मुराद क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लो या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड लो, दोनों को पानी में हल करो, हल करने के बाद इस कैटल के अंदर डाल देना होता है। मैंने इसके अंदर अल्कली भी डाल दी है, और सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फैट, मोल्टन फैट प्यूरीफाइड करके लेके आए, ये बात याद रखिएगा, प्यूरीफाइड फैट भी इसके अंदर डाल दिया, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। अब यहाँ पे ना हम इसको हीट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, इसकी हीटिंग करने के लिए हम यहाँ पे स्टीम का यूज़ करते हैं। किस चीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं, पाइप के ज़रिए से हम इसके अंदर स्टीम को ब्लो करते हैं और इसको हीट कर रहे होते हैं। यहाँ से क्या ब्लो करेंगे, स्टीम। ये चीज़ आपने सिंपल सी याद रखनी है, यानी यहाँ पे हम गर्म करने के लिए आग का इस्तेमाल नहीं करते, स्टीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टीम इसके अंदर जाएगी, इसको गर्म करेगी, गर्म करने के बाद इसके अंदर एक प्रोसेस है जो मेन रिएक्शन है, वो है सेपोनिफिकेशन। यहाँ पे सेपोनिफिकेशन होना शुरू हो जाती है, सेपोनिफिकेशन के नतीजे में हमारे पास सॉप बनना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास मेन रिएक्शन है, अभी हम डिस्कस करेंगे कौन सा रिएक्शन होता है, किस तरह होता है। अच्छा, सेपोनिफिकेशन के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना होता है, इसी के अंदर ऐड NaCl। जैसे ही ऐड करते हो तो यहाँ से हम दो चीज़ें अलग कर लेते हैं, दो चीज़ें बन जाती हैं। पहले नंबर पे यहाँ पे ग्लिसरीन बनती है, GlyCerin ग्लिसरीन बनेगी, और सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसको हम बनाना चाहते हैं वो है सॉप। वैसे इस तरीकेकार के हवाले से देखा जाए तो ग्लिसरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉप से कई गुना महंगी ग्लिसरीन होती है, सही, सॉप से महंगी ग्लिसरीन होती है। तो ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट बनता है और सॉप बन जाता है। सॉप जो बनेगा, अब आपने इसके अंदर एडिटिव्स डालने हैं, क्या करना है, एडिटिव्स डालने, एडिटिव। अब एडिटिव्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आपने इसके अंदर रेजन, परफ्यूम, कलर वगैरह, तो मैं यहाँ पर दो लिख देता हूँ। आपने इसके अंदर परफ्यूम यानी खुशबू वगैरह डालनी होती है, जो
इसको स्पेसिफिक बना रही होती है। इसके बाद आपने इसके अंदर डालना है कलर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीसेप्टिक्स, यानी जो चीज़ आप डालना चाहते हो वो यहाँ पे डालोगे। डालने के बाद आप इसके करोगे कूलिंग। यहाँ पे हमारे पास मिक्सर बन जाएगा। मिक्सर को अब आपने हिलाने के लिए क्रचर का इस्तेमाल करना है। मिक्सर बन गया, मिक्सर के बाद क्रचर, CRUCHER, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। क्रचर होता है जी, आप जिस तरह एक चीज़ को काट काट के बारीक बारीक हिस्सों में डिवाइड कर देते हो, ये हमारे पास मिक्सर बनता है। मिक्सर को बिल्कुल बारीक बारीक हिस्सों में काट के डिवाइड कर देगा। क्रचर के बाद हमने क्या करना होता है, इसकी मोल्डिंग करनी होती है। साबुन की जो शेप बनाना चाहते हैं उस शेप में आप इसको डालोगे। मोल्डिंग के बाद आपने इसकी पैकिंग करनी है और मार्केटिंग करनी शुरू कर देनी है। तो ये तरीकाकार है। अब ना कूल्ड प्रोसेस में और इस प्रोसेस में फ़र्क कहाँ पर आया, कूल्ड प्रोसेस में और इस प्रोसेस में फ़र्क पता है कहाँ पर आया, यहाँ पर। इसमें हमने कैटल यूज़ किया, हीटिंग यूज़ कर रहे हैं, हीटिंग यूज़ कर रहे हैं थ्रू स्टीम। सही है क्या, हमारे पास स्टीम के ज़रिए से हम इसको हीट कर रहे हैं। और एक और बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट बनता है, वो ग्लिसरीन है। वो क्या हमारे पास ग्लिसरीन है, जबकि वहाँ पर कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं बन रहा था। सही है। तो ये था जी हमारे पास पूरे के पूरे एक फ्लो शीट डायग्राम। अगर ये समझ आए तो समझ लीजिएगा सारी की सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो मैं पहले स्टेप के नेम लिखूँगा। सबसे पहला था जी प्यूरिफिकेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। आपने फैट और ऑयल की प्यूरिफिकेशन करनी है, पहला स्टेप। सही है। इसमें क्या करते हैं, फैट और ऑयल को हीट करने के बाद इसको मोल्टन फॉर्म में लेके आके कोई भी चीज़ फिल्टर पेपर वगैरह यूज़ करो या कोई भी चीज़ इसको फिल्टर कर लो और प्यूरीफाई कर लेना। प्यूरिफिकेशन का मकसद क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी ना रहे, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ होती है मिक्सर हीटिंग। मिक्सर हीटिंग में हमारे पास क्या काम होता है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अल्कली का सॉल्यूशन और फैट ऑयल को ले कर कैटल के अंदर स्टीम के ज़रिए से हीटिंग कर रहे होते हैं। सही है। यहाँ मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, द मिक्सर ऑफ फैट और ऑयल एंड, और इसके अलावा हमारे पास किस चीज़ का होगा, अल्कली सॉल्यूशन इज टेकन इन कैटल। इसको हम कैटल के अंदर ले रहे होते हैं कैटल, एंड हीट इट बाय यूजिंग स्टीम। स्टीम को यूज़ करके आपने इसको हीट कर लेना होता है। ये था जी हमारे पास मिक्सर हीटिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप आ जाता है वो है सपोनिफिकेशन। यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम सपोनिफिकेशन कहते हैं, सपोनिफिकेशन में क्या होता है कि आपका सोप बन रहा होता है, साथ में ग्लिसरीन बाई प्रोडक्ट के तौर पर बन रही होती है, फैट एंड अल्कली, एंड अल्कली रिएक्ट, ये दो चीज़ें रिएक्ट करती हैं एंड फॉर्म सोप एंड ग्लिसरीन GLYCERIN और ग्लिसरीन बना रहे होते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन मैंने पहले भी लिखा हुआ था कूल प्रोसेस के अंदर, तो वही रिएक्शन हो रहा होता है यहाँ पे भी। क्या होता है, CH2CH, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जगह थोड़ी सी कम है, मैं इसलिए थोड़ा करीब करके लिख रहा हूँ, तो चेक कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे OOO, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास R, और यहाँ पे R। इसका रिएक्शन करवा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे ही रिएक्शन करवाओगे हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो ये वाली कुछ होगी, CH2OC, यहाँ पे H, और ये हमारे पास ग्लिसरॉल होता है जिसको हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। सही है, ये वाली चीज़ हमारे पास बन गई है। और इसके साथ साथ हमारे पास साबुन भी बन रहा होता है। साबुन का हमारे पास फार्मूला C डबल बॉन्ड O, O, NA, ये वाली चीज़ हमारे पास साबुन होती है, सोप। हमारे पास इस चीज़ को अलहदा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके साथ ऐड कर देते हैं, इसी सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं NaCl, एडिशन ऑफ NaCl हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एडिशन ऑफ NaCl। NaCl को अब आपने ऐड करना है। देखो NaCl ऐड करोगे कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, देखो NaCl के अंदर सोडियम है, सोप के अंदर भी सोडियम है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से सोप यहाँ पे कर्ड
कर्ल्ड की फॉर्म में ऊपर इसके ऊपर सॉल्यूशन के ऊपर आके जमा होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे आके जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हम आसानी से यहाँ से लदा कर लेते हैं। सही है। व्हेन NaCl इज एडेड, NaCl इज एडेड, जब NaCl को ऐड किया जाता है देन, तो फिर हमारे पास होता है क्या, देन अ कर्ल्ड सॉल्यूशन या सोप इज फ्लोट, सोप फ्लोट करना शुरू करता है, फ्लोट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर फ्लोट करना शुरू करता है, जिसको हम लदा कर लेते हैं। और इसके नीचे हमारे पास सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर सॉल्यूशन बचता है, जिसको हम नीचे से निकाल के ना उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, वहां से ग्लिसरीन हासिल करते हैं। एंड ग्लिसरीन, मैं सिंपल लिखूं, एंड ग्लिसरीन इज आल्सो ऑब्टेन, ग्लिसरीन इज आल्सो ऑब्टेन, ग्लिसरीन भी ऑब्टेन हो जाती है। बस ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, ये बात होगी। अब इसके बाद हमारे पास क्या था, ग्लिसरीन किस तरह ऑब्टेन होती है याद रखिए, नीचे हमारे पास जो सॉल्यूशन क्लियर सा बचता है उसकी डिस्टिलेशन करते हैं। आपने पढ़ा होगा डिस्टिलेशन क्या होती है, आप उसको बॉयल करोगे, बॉयल करने के बाद ग्लिसरीन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है दूसरे कंपोनेंट की निस्बत, वो वहाँ से उठ जाएंगे, बाकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रह जाएंगी। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है एडिशन ऑफ एडिटिव्स, एडिशन ऑफ नेक्स्ट स्टेप, एडिशन ऑफ एडिटिव्स, एडिटिव्स मैंने बताया जी, ये आपके परफ्यूम वगैरह, ये वो परफ्यूम कलर वगैरह इस सोप के अंदर डालते हो, डालने को मिक्सर क्रचर करते हो, यानी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते हो, मिक्स करने के बाद मोल्ड कर देते हो। सही है। एडिशन ऑफ एडिटिव में आपने बात करनी है परफ्यूम्स की, परफ्यूम्स एंड कलरिंग एजेंट, एंड कलरिंग एजेंट वगैरह को इसके अंदर डालते हो, डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से शेक करते हो, इसको हिला के मोल्ड में डाल ले जाते हो, जिस तरह का मोल्ड, यानी कि साबुन की शेप आप देख लो, हर एक साबुन लाइफ बॉय का साबुन की शेप अलग है, लक्स के साबुन की शेप अलग है, तो आप उसके मोल्डिंग कर रहे होते हो, उसको शेप दे रहे होते हो। सही। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, मोल्डिंग, एम ओ यू एल डी आई एन जी, मोल्डिंग के बाद पैकिंग, ये हमारे पास चंद एक स्टेप्स हैं जिसको आपने याद रखना है। यही हमारे पास कैटल प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको लाजमी देख लीजिएगा। तरीकाकार सिंपल सा है, स्टेप्स के नाम याद रखो, लिख खुद लोगे, ये एक रिएक्शन आपने स्पॉनिफिकेशन में पढ़ा हुआ है, वही रिएक्शन यहाँ पे लिख दोगे, कोई इसमें वो नई बात नहीं है। तो ये था जी हमारे पास पूरे का पूरा तरीकाकार का सॉप किस तरह तैयार किया जाता है। तो यही हमारे पास आज के लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, इसका स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा।